थप्पड़ मारो सामने वो कराए मास्टर को तो गाइज हमने इसको भी छील लिया है, अभी देखा था साबुत रखा था, अभी मैंने छील लिया इसको। तो गाइज अभी हम प्याज काट रहे हैं, ये ना खड़ा खड़ा प्याज मतलब काटना है, ठीक है। तो अभी हम इसको ऐसे से काट रहे हैं, लंबा लंबा काटना है इसको। मिर्ची काट रही हूँ मैं, यहाँ डिमांड चल रही है हमारी। ये हरी मिर्च जितना हमने खाना ना उसी स्वाद के अनुसार हमें डालना है, जितना मेरे को तीखा खाना है। ओके तो गाइस आप देख सकते हैं अभी हम टमाटर काट रहे हैं और ये टमाटर हमने काट लिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है ये देखो, आज से हम दिखाएंगे। मैं चार्ज लगा गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वैसे ही हम इसमें अभी डालने वाले हैं पास्ता। सो गाइस आज बनाने वाले पास्ता, ये देखो मैं दिखाऊंगी आपको पास्ता। पास्ता मेरा रेडी है, अभी पानी हो जाता है ना वैसे ही बस उठा के इसमें डालना है, ठीक है। तो गाइस अच्छा हमको सिखा रहा है, नहीं मैंने रखा तो पानी से निकाल लिया है आप देख सकते हैं। मैंने इसको डाल दिया अच्छी तरह के साफ हो गया है, ठीक है। तो गाइस लेके चलते हैं और दिखाते हैं कैसे बनाएंगे हम। तो गाइस वीडियो को रोक दो, हमने कढ़ाई को चढ़ा के इसमें कड़वा तेल, सरसों का तेल मैंने डाल दिया, वैसे रिफाइंड तेल से भी बनता है, जिसको जिससे बनाना है उससे बनाओ। मैंने अभी इसमें सरसों का तेल डाल दिया, ठीक है। तो गाइस जैसे ये तेल गर्म हो जाएगा ना अच्छी तरीके से, फिर इसमें हम प्याज डालेंगे। तो गाइस इनसे मिलिए, हेलो करो, एक बार तो हेलो कर कुछ नहीं होता है। ये मेरी थोड़ी हेल्प कर रही ना, मैंने बोला था स्टैंड मेरा खराब हो गया है, हेलो। तो ये साथ में कंपनी दे रही है मेरे को, फेस दिखाओ जरा अपना सर, इनको अपना फेस नहीं दिखाना, कहती है ऑलरेडी दाने पड़ चुके हैं तो मैं दिखाऊंगी नहीं, ठीक है। तो गाइस अभी मैंने इसमें प्याज डाल दिया, तेल बहुत गर्म हो चुका है, फिर उसके बाद मैंने प्याज डाला है, प्याज हरी मिर्च दोनों मैंने साथ में डाल दी है। तो गाइस हमारे पास्ता का नाम है चटपटे तड़का पास्ता, ठीक है। तो बस वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइस अभी प्याज ब्राउन हो चुका है पूरी तरीके से और अब हम इसमें टमाटर ऐड करने हैं। तो आप देख सकते हैं टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसको हम कलछुल से अभी हम इसको चलाएंगे अच्छी तरीके से, और जैसे ही ये इसमें तेल छोड़ने लगेगा ना फिर हम इसमें मसाला डालते हैं। तो देख के तो लोगों के मुँह पानी आ रहा होगा, जिसको खाना आ सकता है और खाने का स्वाद ले सकता है गाइस। आर्यन का एडमिशन दूसरे स्कूल में करवाओ। अभी हम इसमें नमक डालने लगे, आप देख सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और मैंने नमक डाल दिया है और हल्की सी हल्दी डालेंगे, ठीक है इसमें, और लाल मिर्च थोड़ा सा, जितना मेरे को खाना है मैं उतना डालूंगी, ठीक है, और थोड़ा सा धनिया पिसा हुआ, और अभी मैं कोनी मसाला है ना पास्ता मसाला वो डालेंगे इसमें और इसको चलाएंगे। फिर सो गाइस इसमें अभी हम पास्ता मसाला डाल चुके हैं, दो पैक मैंने डाल दिया है पास्ता मसाला, मसाला एक पैकेट डाला था, एक दूसरा पाउच मैंने दोबारा से डाल दिया, इसमें दो पाउच पड़े हुए हैं, दो आधा किलो में मैंने दो पाउच डाले हैं, ठीक है, मसाले का पास्ता मसाला। और मसाला डालने के बाद अभी हम थोड़ी देर इसको गैस पे चढ़ा के पकाएंगे मसाले को, और हल्की हल्की कलछन से मारते चलाते रहेंगे इसको, और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है गाइस,
देख के तो पहले मन करा खाने के लिए, और अभी तो बना ही नहीं है, जैसे बन जाएगा तभी खाऊंगी ना फिर। तो अभी बढ़िया कंसन से चला रहे हैं मसाले को, तो आप देख सकते हैं। और अभी करारा करारा मसाला जब हो जाएगा ना, फिर इसमें हम क्या डालेंगे अभी, ये मैक्रोनी सॉस दो चीज़ डालनी है, सॉस डालेंगे अभी। तो गाइज हमने इसमें सॉस की पाउच डाल दिया है, सॉस दो तीन पाउच डालने हैं। डालने के बाद कलछी से चलाने हैं, और चलाने के बाद इसमें भी पास्ता डालने वाले हैं। बस मेरे लौंडे को दे देना थोड़ी, दो तीन ट्रोच है। तो गाइज अभी फाइनली मैंने इसमें डाल दिया है, अभी कलछी से इसको चलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अरे घंटा लगा दिया। तो गाइस पास्ता कलछन से हम चला रहे हैं, देख सकते हैं आप, कलछन से चला रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। गैस पे भी चढ़ा हुआ है, अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे ही इसमें आवाज़ आना शुरू हो जाएगी छन छन की, उस लगेगा फिर पक गया है अच्छे तरीके से। तो आप बने रहिएगा वीडियो पे। सो गाइस फाइनली पूरी तरीके से मिक्स हो गया है मसाला, और अच्छे तरीके से चला दिया गया है। अब इसको कुछ देर इस पे चढ़ा दे रखे रखेंगे गैस पे। सो गाइस आप देख सकते हैं, अभी बताया था ना मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था, इस पे कुछ देर तक ये चढ़ा रहेगा, इसमें हल्का सा तेल छूटना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये पूरी तरीके से प्रॉपर पक जाएगा ना, फिर हम इसको डालेंगे और खाएंगे, और खाने वाले आप लोग खाना रखा है। गाइस फाइनली पास्ता पक चुका है, अब हम गैस बंद करने लगे हैं, देख सकते हैं ये मैंने गैस बंद कर दी है, और देख सकते हैं फाइनली पूरी तरीके से पक गया है, ये देखो पक गया है। तो गाइस अभी हम लोग खाएंगे, उसके बाद वीडियो को लास्ट करेंगे, तो हमारी वीडियो बने रहिएगा। और कमेंट में किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है गाइस, पास्ता कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या कैसे नहीं करना, कुछ भी पूछना है तो हम बताएंगे आपको, बस हमारी वीडियो बने रहिएगा। हम अभी कौलियों में निकाल रहे हैं, देख सकते हैं आप, बहुत सारे लोग खाने वाले हैं ना, तो सबके लिए निकाल निकाल के रख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चे भी बहुत सारे हैं ना घर पे, तो सारे ही खाएंगे। देख सकते हैं पास से दिखाएंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा स्वाद दिख रहा है खाने में। मैं तो पानी आ रहा हूँ मैं खा देख के। सो गाइस और सीताराम तू आ जा भाई इधर खा के अलग बैठ। तो गाइस फाइनली हमने कटोरियों में निकाल लिया, और सभी बच्चों को देने वाले हैं, खाने वाले हम लोग भी हैं, बस अभी खाएंगे और देखेंगे कैसा स्वाद है। स्वाद तो वैसे बहुत अच्छा है, मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही अच्छा स्वाद है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ भूखड़ बच्चे आ चुके हैं खाने के लिए, ये देखो ये सारे भूखड़ बच्चे हैं मेरे घर के, छोटा बच्चा भी निप्पल वाला भी मुंह छोटा नहीं है। सबसे ज्यादा भूखड़ तो बच्चा यही है, सारे हेलो करो, हेलो हेलो दानिश, हेलो करो। पास्ता नहीं खाना? हाँ मैं मेरे बबुआ को, मेरा दानिश गुस्सा हो चुका है, इसको पास्ता नहीं मिला था, मैं इसके लिए लेके आई हूँ, ये देखो दानिश हेलो करो। ओके मेरे घर के सारे भूखड़ लोग खाना खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, सॉरी ये बुआ अभी लेट आई ना, तो इनको थोड़ा कम पास्ता मिला, देख सकते हैं आप, इनको थोड़ा कम पास्ता मिला है। मेरे दो पे मिला, सिर्फ दो पे, दो पे नीचे बुढ़िया रख गई, बताया तो थे मुझे लगा दो है पानी। तो गाइस हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे अच्छी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो गाइस तब तक के लिए टाटा एंड बाय।